आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए जो एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं उसमें आज का वीडियो नंबर 11 है। तो 11वें वीडियो नंबर में पहला क्वेश्चन आपके सामने, आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन दिया क्या है। देखिए, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब आपके पास एक चुंबक है, आप बनाए हैं एक चुंबक और वो किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप इसकी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे ज्यादा तेज अट्रैक्ट करें, आप कैसे कर सकते हैं। तो आपके हाथ में है, क्योंकि क्वाइल होती है, क्वाइल में धारा देकर इसको चुंबकीय गुण प्राप्त कर लिया जाता है। तो आप क्या करें कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ही बढ़ा दीजिए, जिससे और तेज खींच लेगा। तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा दीजिए, ए ऑप्शन। कैसे बढ़ेगा, धारा को मान को बढ़ा दीजिए, धारा को मान को बढ़ाएंगे तो बी बढ़ेगा तो खींचने की ताकत बढ़ जाएगी, यानी चुंबक और तेज खींच लेगा। तो क्या है, इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाकर चुंबक की ताकत को बढ़ाई जा सकती है। आते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व तो हमेशा, फ्लक्स घनत्व तो किसे कहते हैं, तो बी को, वही फ्लक्स घनत्व मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, कहां परिभाषित करता है। हम बताए थे ना हिस्टेरेसिस जो लूप हम बनाए थे, हिस्टेरेसिस लूप, उसमें क्या था जो लूप था हमारा हिस्टेरेसिस लूप, तो ये किसको बताता था, ये बी को और ये एच अथवा आई को। तो यही तो है फ्लक्स घनत्व, बी मैग्नेटाइजिंग करंट से, इसको मैग्नेटाइजिंग कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट से, मैग्नेटाइजिंग करंट से जो बी होता है वो क्या होता है, हमेशा पीछे चलता है, लैग चलता है। देखिए ना, यहाँ से ये चलेगा और उसके बाद वहां से उसके बाद ये आएगा, तो इतना तो पीछे पहले ही हो गया और उसके बाद तब जाकर ही यहाँ जीरो हुआ, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, इस तरह बनता है। तो मतलब पीछे चलता है बी, तो हिस्टेरेसिस लूप में, तो ए ऑप्शन, कहां पीछे चलता है, तो हिस्टेरेसिस लूप में। हिस्टेरेसिस लूप किसको बताता है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति को, चुंबकीय विशेषता को हिस्टेरेसिस लूप बताता है, एरिया लॉसेस को बताती है, और इसको रिटेंटिविटी कहते हैं, इसको कोर्सिविटी कहते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किसी वस्तु, जो चुंबकीय पदार्थ, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में और कोई वस्तु आप रख देंगे लौह चुंबकीय पदार्थ, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ईडी करंट उत्पन्न होने लगी, मतलब भंवर धारा प्रभावित होने लगेगी उस पर, तो ईडी करंट उत्पन्न होने लगती है। चुंबकीय क्षेत्र में आप लौह चुंबकीय पदार्थ रख देंगे ना, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक ईडी करंट बनने लगती है, तो ईडी करंट क्या हो जाएगी कि बनने लगेगी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायु संधारित का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो रेडियो रिसीवर, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, रेडियो रिसीवर में एयर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, एयर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है रेडियो रिसीवर में। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि यदि ध्रुवीकृत, मतलब यदि पोलराइज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर रिवर्सली कनेक्टेड, अगर विपरीत दिशा में कनेक्ट कर दी जाए, तो विपरीत दिशा में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अधिक गर्म होकर फट जाएगी। जब कैपेसिटर को विपरीत दिशा में कनेक्ट कर देंगे, देखिए कौन सा, पोलराइड ध्रुवित इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को विपरीत दिशा में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगी, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। विपरीत दिशा में कनेक्ट करेंगे तो आपको भी पता है जो ध्रुवीकरण है जिसमें ध्रुव मायने रखता है, और उसी को विपरीत दिशा में आप कनेक्ट कर देंगे तो फट जाएगी गर्म होकर। अगला क्वेश्चन है कि परावैद्युत पदार्थ क्या है। देखिए ना, परावैद्युत मतलब डायमैग्नेट का मतलब कि परावैद्युत, ये गलत दिया है हिंदी, डायमैग्नेट, देखिए एक होता है डायमैग्नेट मतलब क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेट मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय क्या है, लकड़ी है, प्रतिचुंबकीय लकड़ी मतलब कि जिसमें चुंबकीय गुण एकदम ना हो, उसको प्रतिचुंबकीय। क्या है, फेरोमैग्नेट मतलब लौह चुंबकीय, प्लेटिनम, और ये क्या है, तो ये पैरामैग्नेट है, मतलब पैरामैग्नेट जिसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण हो, जो ये लिख दिया था ना पगला हिंदी में पैरामैग्नेट, तो पैरामैग्नेट क्या होता है, जिसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण हो, तो ये दोनों पैरामैग्नेट है, ये फेरोमैग्नेट है और ये डायमैग्नेट है, डायमैग्नेट मतलब जिसमें चुंबकीय गुण ना हो, तो लकड़ी में चुंबकीय गुण नहीं होता है, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर उसका। अब फिर दिया है कि एसआई यूनिट बताइए फ्लक्स डेंसिटी का। अरे भैया, फ्लक्स डेंसिटी बी को कहते हैं, इसका मात्रक, इसका फॉर्मूला पर क्या होता है, तो देखिए फाई बराबर बी ए, तो बी का मात्रक क्या होगा, इसका वेब और इसका मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर गलत है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर सही है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर सही है, तो ये नहीं है। एम्पियर टर्म तो हम लोग को पता है एमएमएफ का होता है, अब वेबर तो फ्लक्स का होता है, बच गया टेस्ला, टेस्ला इज राइट आंसर, क्यों, क्योंकि टेस्ला जो होता है बी का, यानी फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है, उसका टेस्ला यूनिट होता है, टेस्ला होता है
और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। तो टेस्ला इज द राइट आंसर। पदार्थ का बीएच कर्व फिर आ गया, जो अभी हिस्टैरिसीस लूप हम बनाए थे चुंबकीय विशेषता को बताता था, जो हम बताए थे आपको, तो वही है कि पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है। तो हम बताए थे ना कि चुंबक की विशेषता को बताता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल चुंबकीय विशेषता को बताता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। जो भंवर धारा होता है, भंवर धारा का फॉर्मूला क्या होता है कि बी स्क्वायर, जैसे बी मतलब क्या चुवाई फ्लक्स डेंसिटी, तो बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी क्या होता है, किसका पूछा है, भंवर धारा का। भंवर धारा को ईडी करंट कहते हैं, मतलब ईडी करंट कहते हैं, ईडी करंट के समानुपाती होता है। तो देखिए ना, ईडी लॉसेस भी होती है, हालांकि करंट दिया है तो ईडी लॉसेस भी होती है, पीई क्या होता है, बीएम, बीएम को क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। बीएम का स्क्वायर एफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और क्या होता है ना, टी, टी का स्क्वायर, और एक वी, वी वॉल्यूम होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के है, तो क्या बी देगा तो बी मारेंगे, एफ देगा तो एफ मारेंगे, टी मोटाई को देगा तो मोटाई मारेंगे, वी वॉल्यूम को देगा तो वॉल्यूम को मारेंगे। तो दिया क्या है, आवृत्ति दिया है, तो आवृत्ति क्या मारेंगे, सीधा समानुपाती सबके समानुपाती है, धारा उसमें कहां आता है, होगा नहीं, वोल्टेज ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, वोल्टेज दिया तो ये भी नहीं, अब प्रतिरोध कहाँ है तो ये भी नहीं, आवृत्ति है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, एडी करंट के फ्रीक्वेंसी सीधा समानुपाती होता है। परमेबिलिटी परिवर्तित होने का क्या कारण है, जो परमेबिलिटी होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला बी बराबर म्यू एच, चाहे म्यू नॉट भी बहुत लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट करने के लिए, तो क्या बी वही है फ्लक्स डेंसिटी, म्यू परमेबिलिटी, और एच क्या है, मैग्नेटाइज, तो जो म्यू होता है वो बी फ्लक्स डेंसिटी के अनुक्रमानुपाती है, मतलब निर्भर कर रहा है, तो वही ना परमेबिलिटी परिवर्तित होने का क्या कारण है, लंबाई से, कहां लंबाई से नहीं, फ्लक्स घनत्व से, तो हाँ इसी को तो कहते हैं फ्लक्स घनत्व, तो फ्लक्स घनत्व से, फील्ड इंटेंसिटी से नहीं, और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स से भी नहीं, ये गलत है, फ्लक्स डेंसिटी इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, इसको हम लोग बी बी को ही फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का संधारित्र आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है, तो देखिए ना आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है, दिया है प्लास्टिक फिल्म प्रकार, ये तो कहाँ होता है, सिरेमिक डिस्क, सिरेमिक डिस्क भी नहीं होता है, और एल्युमिनियम टाइप वाला इसमें नहीं, इसमें ये वाला होता है, क्या इसको हम लोग कहते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट टैंटलम, इलेक्ट्रोलाइट टैंटलम टाइप, इलेक्ट्रोलाइट टैंटलम टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड को, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड में इलेक्ट्रोलाइट टैंटलम का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड के लिए आता है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र फिर आया है का प्रभाव क्या होगा अगर खुला परिपथ होगा, तो भाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाए थे ना अभी, तो अगर खुला होगा तो काम ही नहीं करेगा, जब ओपन सर्किट हो जाएगी तो काम कैसे करेगी, धारा ही नहीं बन पाएगी, क्लोज लूप चाहिए धारा के लिए, जब खुला हो जाएगा तो काम नहीं करेगा, कार्रवाई करेगा, ये आपका रिजल्ट करेक्ट आंसर, जो खुला हो जाएगा तो कैसे काम करेगा, कार्य नहीं करेगा। अतः अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है कि यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होता है, हम पहले ही बताए थे कि पूरे संधारित्र में दो ही फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, जिनमें से मेन फॉर्मूला जो है कैपेसिटेंस बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, एरिया बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो धारिता कम होगी, पूछा क्या है, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो धारिता बढ़ेगी, तो धारिता पर क्या प्रभाव होगा, तो बढ़ेगा, समान रहेगा गलत है, जीरो होगा गलत है, कम होगा गलत है, बढ़ेगा सही है, दूरी को आप कम करेंगे तो धारिता क्या होगा, बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, दिशा को बता रहा है ना, देखिए ना चुंबक है, चुंबक को लटका दिया गया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ तीर भी लगाया है, डायरेक्शन दिशीय विशेषता, दिशा को बता रहा है, इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि पैरा मैग्नेटिक, देखिए अनुचुंबकीय, हिंदी सही दिया, अनुचुंबकीय पैरा मैग्नेटिक मतलब जिसमें हल्का सा चुंबकीय गुण हो, तो चुंबकीय गुण हो, पैरा मैग्नेट में हल्का सा मतलब एक से ज्यादा चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, तो परमेबिलिटी जो होती है एक से ज्यादा होती है, तो कितना दिया है पैरामैग्नेट का अनुचुंबकी का, तो देखिए जो वायु होता है ना अनुचुंबकी पदार्थ होता है, वायु जो होता है अनुचुंबकी पदार्थ होता है, इस्पात फेरोमैग्नेटिक होता है, तो इसमें तो ये वाला होगा नहीं, कांच और जल ये दोनों क्या होता है,
ये इसका जवाब ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कांच और जो जल होता है वो डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक का मतलब कि प्रति चुंबकीय, जिसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय गुण ना हो जिसमें, तो चुंबकीय गुण इसमें नहीं होता है, और इसको फेरोमैग्नेट कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पैरा पूछा है, तो वायु होगा, एयर होगा। एयर, एयर क्यों होगा? एयर में हल्का सा चुंबकीय गुण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि चुंबकीकरण किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? देखिए ना, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है, तो पूछा क्या है कि किस विधि का उपयोग, तो इंडक्शन विधि से। अभी हम बताए थे ना कि एक क्वाइल ले लेंगे, मतलब कुछ भी लोहे का टुकड़ा ले लेंगे जिस पर हम लोग बाइंडिंग करेंगे, करंट देंगे, तो चुंबकीय गुण बना देगी। तो इंडक्शन मेथड से नहीं बनता है, इंडक्शन मेथड से ये बनता है अस्थायी चुंबक। तो इंडक्शन मेथड से चुंबकीय गुण प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि यदि घुमाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए ना, क्या पूछा है कि इंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि टर्न के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दी जाए। तो देखिए, एक फॉर्मूला आता है, एल बराबर एक फॉर्मूला आता है। क्या होता है फॉर्मूला? तो म्यू नॉट एन स्क्वायर, टर्न है एन स्क्वायर और ए बटा में एल। मतलब ये फॉर्मूला बहुत फेमस है इंडक्टेंस के लिए। जैसे कहां, देखिए ये हम बना रहे हैं इंडक्टेंस। अब क्या हुआ, एन क्या है, तो कितना टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न एन है। एरिया क्या है, तो ये जो ये क्वाइल बनाई गई है ना, इसका एरिया है, ये सब एक समान एरिया में रहता है। ये जो क्वाइल बनाई गई है इसका एरिया, जैसे ये तो ये क्वाइल जो बनाई गई है ना, कितना एरिया है, वो एरिया है। और लंबाई क्या है, टोटल कितना इसका लेंथ हो गया, टोटल जो लंबाई है वही इसका एन, पूरा एल है। एल है कितना टर्न है, और म्यू नॉट आप समझते ही हैं कि परमिबिलिटी है, और एल इंडक्टेंस है। पूछा क्या है कि यदि घुमावों के बीच की दूरी को बढ़ा दी जाए, ये घुमावों के बीच की दूरी को बढ़ा दी जाए, जैसे दो टर्न एक यहाँ और एक यहाँ, इसके बीच की दूरी बढ़ा दो, इसके बीच की दूरी बढ़ा दो, इसके बीच की दूरी, तो घुमावों के टर्न जो घुमावों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, मतलब लंबाई को बढ़ा दी जाए, और लंबाई को बढ़ा दी जाए तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा, तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लेकिन देखेंगे आप निमी के पीडीएफ में तो इंक्रीज दिया है, तो कहां से इंक्रीज होगा? टर्न पूछा ना कि यदि घुमाओ के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घुमाओ के बीच की दूरी को हम लोग बढ़ा देंगे, बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा, तो इंडक्टेंस कम डिक्रीज हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है? मतलब डायलेक्ट्रिक इंसुलेशन क्या होता है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है कि धारा को नहीं जाने देती है, उष्मा को जाने देती है परंतु धारा को नहीं जाने देती है, उसको डायलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। तो संधारित्र की ताकत को बढ़ाता है, नहीं प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, ठीक है। दो प्लेटों के बीच में डायलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, और दो प्लेटों के बीच में डायलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है कि धारा प्रवाह को रोकता है, धारा को नहीं जाने देगा लेकिन उष्मा को जाने देता है, उसको डायलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। तो वही पूछा है, परावैद्युत कुचालक पदार्थ जो होता है डायलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, तो धारा के प्रवाह को रोकता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है? फिर आगे ना वही फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी। तो जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी, अब क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ प्लेट, तो देखिए एरिया ऑफ प्लेट सी पर निर्भर करता है, और ये क्या प्लेटों के आकार और पदार्थ और मोटाई पर थोड़े निर्भर करता है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है? तो ए ऑप्शन, देखिए ना एरिया पर धारिता निर्भर करता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आरएफ युग्मन दिया है ना, आरएफ कपलिंग सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? आरएफ कपलिंग फैक्टर, आरएफ कपलिंग सर्किट जो होता है किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो इसके में प्रयोग करते हैं ना मोनोलिथिक जो होता है कपलिंग फैक्टर के लिए। आरएफ कपलिंग फैक्टर ध्यान में बैठा लीजिएगा कि मोनोलिथिक यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अध्याय के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।